चाहिए, उनकी बात जो है वो जो कह रहे हैं उसका तर्क रखा जाएगा। जी जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। क्या नाम है साहब? विशाल। विशाल जी क्या काम करते हैं? मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ। स्टॉक मार्केट में काम करते हैं? आज आज कहाँ पे बंद हुआ? आज मार्केट 350 पॉइंट से ऊपर ज्यादा बंद। 350 पॉइंट ऊपर गया जी। भाई भाई देखिए भाई भाई, ऐसे करेंगे तो मैं कैसे कर पाऊंगा, शो नहीं कर पाऊंगा। मैं आऊंगा आपके साथ, आऊंगा जी। 350 पॉइंट जी। जनाब क्या नाम है? विशाल। विशाल जी स्टॉक मार्केट से हैं, बोलिए। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के बंदे से है जो ये कहता है कि किसानों पर जो गोलियां चली वो उसको याद है। मैं पूछना चाहता हूँ, राम भक्तों पर जो गोलियां चलवाई थी क्या वो भूल गए? ये बड़े भाई, ये जनता बड़ा याद रखती है, भूलती नहीं है कोई चीज। कहाँ से आना हुआ? झारखंड है। झारखंड? झारखंड से। कहाँ से? झारखंड, जमशेदपुर टाटा स्टील। कहाँ से? झारखंड। झारखंड? झारखंड। झारखंड? झारखंड। लोहा नगरी टाटा स्टील। हाँ जी बोलिए। टाटा नगर से। झारखंड? हाँ बोलिए। बाबूलाल चक्रवर्ती, मैं एक समाज सेवक हूँ। बाबूलाल चक्रवर्ती जी। आपने बंगाली? बंगाली। बंगाली तो कहने बोलते ना, बांग्लाई में। बांग्लाई बोले ना? बांग्लाई बोलची। मोदी सरकार 430 430 क्यों लगाते पारे ना गिरीश, मोदी सरकार 430। ये जो बंगला भाषा है इसमें इतनी मिठास है और इतना रिदम है कि एक बार बोलो ना फिर तेरे क्यों नहीं बोलचिन। एक बार मोदी सरकार 430 क्यों लगाते पारे ना गिरीश। कोई समझा है कि नहीं समझा? हाँ गिरीश का मतलब क्या है? बोलो दादा। ग्रीस? ग्रीस का मतलब ये होता है जो गाड़ी में ग्रीस। जी एक मिनट, गुप्ता जी रह गए वरना छूट जाएंगे आज। गुप्ता जी आज प्रोग्राम छोटा है, जल्दी आइए, आगे आइए, आपका खाना आइए। हाँ जी देखिए, बात चल रही थी कि क्या मोदी सरकार 400 सीटें लाएगी। हाँ। निश्चित रूप से लाएगी, क्योंकि मोदी सरकार ने हर वो जगह है जहां पे काम किया, जहां सड़क बनाने की स्पीड कांग्रेस की जो थी उससे 1.5 गुनी स्पीड से काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट बनाए, रेलवे स्टेशन बनाए, सारे देश में लगातार रेलवे स्टेशन साफ हो रहे हैं। उसके बाद सड़कों पर काम, रेलवे पर काम, नदी पर काम, उसके बाद शिक्षा पे काम, विश्वविद्यालय पे काम, स्कूल पे काम, और उसके बाद सबसे बड़ी जल योजना, हर घर में जल होगा। जो भारतवासी गंदा पानी पीते आ रहे थे सबको पीने का स्वच्छ जल मिलेगा। ये वो बड़ी बात है, इससे स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाएगा भैया। स्वास्थ्य, अगर हम गंदा पानी नहीं पियेंगे हमारा स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहेगा। पानी पे निबंध सुना रहे हैं क्या? पानी, अरे स्वच्छ जल ही। हाँ हाँ हाँ, कितने साल हो गए गुप्ता जी? हाँ ये गाना आपका, ये कितना साल हुए देश को आजाद हुए? 1947 से आजाद हुआ था, आप लगा लीजिए। मैं लगाऊंगा ना, लीजिए गुप्ता जी आप हैं, बताइए पूरे हिसाब। 75 वर्ष। आज भी हम अच्छे पानी की बात करते हैं, जल कल योजना जी, मतलब ये गारंटी कब की हो जानी चाहिए थी अच्छे पानी की, नहीं हो पाई राकेश जी, अफसोसजनक बात है ये। सोच का मसला कब समाप्त हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया, अफसोसजनक बात है राकेश जी। हाँ क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार शर्मा है। सत्येंद्र कुमार जी शर्मा? सत्येंद्र कुमार शर्मा। कहाँ के रहने वाले? बिहार नवादा जिला। वो तो मैं समझ गया था शर्मा जी, बोलिए। मैं कह रहा हूँ जो लोग कह रहे थे कि मोदी ने क्या किया, मोदी जी ने जो काम किया आज तक देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं किया है, इतना हिम्मत वाला। आज अगर हमें कोई पहचानता नहीं था आज विदेश में मेरी डंका पिटता, और जो कहते हैं मोदी जी अमेरिका सुनता है, अमेरिका जैसा पावरफुल, और कहते हैं कि सड़क काम क्या किया, काम तो इतना किए हैं कि आज तक कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती है कि अब आम आदमी। तुम कांग्रेस के बारे में इतना काहे गुस्सा होते हो? गुस्सा इसलिए है कि मेरा याद जब से हुआ ना तब से मैं कांग्रेस को देखा हूँ सर, और जब से मैं याद किया हूँ तब से मैं लालू यादव को देखा हूँ इनके पिछलगु बनते हुए, और बिहार में जिस तरह से नरसंहार हुआ, अंत तक जिस तरह से फैला गया समाज में, वो पूरा बिहार जानता है अभी। शर्मा जी, शर्मा जी यहाँ कहाँ काम करते हैं? हम यहाँ नोएडा में रहते हैं। क्या क्या काम काम करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ इसलिए मैं जान। ड्राइविंग करते हैं जी। हाँ जी किसका जवाब देना? चक्रवर्ती साहब का। हाँ रुको रुको एक मिनट। हाँ क्या नाम है? मैं 10 दिन से यार बोला नहीं हूँ। आज बोलो यार, बिल्कुल बोलो, क्या नाम है आपका? हर्षदीप सिंह। हर्षदीप सिंह जमशेदपुर से। जमशेदपुर से? और दादा आप भी जमशेदपुर के हैं? जमशेदपुर के हैं? हाँ चक्रवर्ती साहब भी जमशेदपुर से ही हैं। खाली उनसे बोलना चाहता हूँ, 430 तो बोला सही है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है रघुवर दास, उनको उन्हीं के पार्टी के ने हराया, सरयू राय जी ने निर्दलीय, क्यों हरा दिए झारखंड में पूछिए तो सही। बीजेपी का ही मुख्यमंत्री है, सरयू राय ने निर्दल हरा दिया क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था, और मोदी सरकार डर गई उसे उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया। किस लिए
बात समझे? हमको ये बताओ 430 का बाल कैसे है? 430 का बाल बीजेपी का मुख्यमंत्री तो वही हार गया जहाँ के आप है। अच्छा ये कह रहे हैं जब वहाँ का मुख्यमंत्री हार गया। मैं एक मिनट आज बड़े जनता से पूछना तो मुझे। हाँ जी सर, मैं रेवाड़ी से हूँ और तो मैं जानता हूँ। हाँ जी, हाँ। और मोदी साहब 2013 में आए थे तो उन्होंने एम्स की घोषणा करी थी और वो अभी रिसेंटली 10 दिन पहले एम्स का उद्घाटन मोदी जी खुद रेवाड़ी में आके करके गए हैं। और 400 तो क्या 400 पार ही जाएगा इस बार मोदी जी का 100%। और मोदी जी शिक्षा स्वास्थ्य पे इतना ध्यान दे रहे हैं इसका कोई वो नहीं है। यहाँ तक कि है ना कश्मीर, ठीक है कश्मीर क्या, कश्मीर जो है सीधी ट्रेन भी नहीं जाती थी अभी उसका जाती थी ऐसा किसे कह रहे जम्मू तक आओ जाती थी पहले। अरे दादा जवाबी कवाली नहीं है, हो गए तो आपने तो बोल दिया ना, हो गए।